Hey, hi, hello, good morning, welcome back to my channel, बंदिये बिंदास है। जी हाँ दोस्तों, एक्चुअली आज मैं इतनी सुबह सुबह इसलिए हूँ, अभी बज रहा है वैसे 8:30, अभी 8:30 बज रहे हैं और मैं उठ चुकी हूँ बहुत पहले फाइट ऑफिस से। एक्चुअली रात भर मैं सोई नहीं थी, जस्ट टू शेयर विद यू, मुझे कुछ शेयर करनी थी आप लोगों से, तो मैंने सोचा एक बार शेयर कर लेते हैं। क्या है कि आज मॉर्निंग को नहीं, एक्चुअली कल जब मैं शाम को रील्स बना रही थी अपनी, तो मैंने लेंस लगाई थी एंड क्या हुआ कि अचानक सा वो लेंस टूट गई मेरे आँख के अंदर, इस आँख पे, जी हाँ देखिए सी। तो वो रात भर से मेरे आँख से निकली नहीं लेंस, मैंने उसको बहुत कोशिश किया निकालने का बट किसी भी तरीके से वो बिल्कुल भी नहीं निकली। तो मैं उसको रगड़ती गई बिकॉज ही इतना पेन हो रहा है कि अंदर में से वो छोटा छोटा मेरा पावर लेंस था, मेरा तो नॉर्मल लेंस नहीं था, तो पावर लेंस में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो अंदर में से छोटा छोटा टुकड़ा जो कांच टाइप का होता है वो निकल रहा था, वाइट पस टाइप का भी निकल रहा था। काफ़ी तकलीफ हुआ है मेरे को बट फाइनली अभी थोड़ी देर पहले मैंने इतना नोचा, इतना रगड़ा कि मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, बात कर रही थी ऐसे ऐसे करते करते, अचानक सा वो लेंस अपने से हाथ पे आके गिरा। सो फाइनली मैं वैसे भी आज डॉक्टर के पास जाने वाली थी सिर्फ लेंस निकालने के लिए, बिकॉज आप यू गाइस कैन सी माय नेल्स, आई हैव अ बिग नेल्स, तो इससे क्या होता है लेंस निकाल नहीं सकते हम। लेकिन अगर छोटा नेल्स भी हो, जैसे कि कल रात को मम्मी ने, भाई ने, भाई का बेटा ने, हर किसी ने कोशिश किया है लेंस को निकालने की बट किसी से भी कुछ नहीं हुआ, इज़ बिकॉज वो निकल नहीं रहा था, वो पूरा रेटिना के साथ एकदम लग गया था जैसे कि। सो एनीवेज फाइनली आई एम हैप्पी कि ये लेंस निकल गई। और हाँ, मैं अपने बहुत सारे दोस्तों को थैंक यू बोलना चाहूँगी बिकॉज उन सब ने शायद प्रे किया होगा मेरे लिए, तभी जाके ये चीज़ हुआ है। सो थैंक यू टू ऑल माई फ्रेंड्स एंड बस इतना ही बोलना चाहूँगी। तो ये ख़ास तौर से ये व्लॉग टू ऑल माई स्पेशल फ्रेंड्स, नॉट ओनली स्पेशल फ्रेंड्स, ऑल फ्रेंड्स आर माई स्पेशल। सो मैं पर्टिकुलर कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, जिन्होंने जितने भी फ्रेंड्स हैं, जिन्होंने भी मेरे लिए प्रे किया है कि मेरी नेल्स मेरी नेल्स जल्दी जल्दी मैं काट लूँ और मेरी लेंस निकल जाए, सो उन सब के लिए मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड प्लीज़ आप लोग मेरे साथ रहिए। अभी क्या है कि मैं थोड़ा बर्फ लूँगी आइस, उसको लेके थोड़ा सा दूंगी बिकॉज इट इज़ पेनिंग, लाइक बहुत तेज़ इसमें पेन हो रहा है। तो खैर पेन तो होगा, रात भर से मैं सो नहीं पाई, रात भर जस्ट थिंक कि लेंस लगा के इस तरह से, और मैंने उसको खूब नोचा, खूब रगड़ा, यू नो। सो फाइनली जो भी हुआ कि मैंने तो सोच भी लिया था कि चलो अभी तो डॉक्टर के पास जाना ही है, नथिंग टू डू, बट मुझे जाने का ज़रूरत नहीं पड़ा। एंड बहुत कुछ किया मैंने कल रात से, बहुत कुछ किया, लाइक यू नो लेंस का जो सॉल्यूशन होता है मैंने उसको भी डाल दिया डायरेक्टली, जो कि वो नहीं डालनी चाहिए, एंड उसको भी मैंने डायरेक्टली डाल दिया कि कहीं मेल्ट हो जाए या कुछ हो जाए, निकल जाए समथिंग लाइक। तो वो लेंस निकला है एंड एक साइड से पूरा टूट के, मैंने पूरा एकदम चुर टाइप का हो गया, एकदम छोटे टुकड़े जो होते हैं वो सब निकले हैं। एंड जो भी, अभी फ़िलहाल के लिए कुछ दिनों तक तो मैं लेंस लगा नहीं सकती क्योंकि आँख में काफ़ी दर्द हो रहा है, ये आँख पे नहीं है लेकिन इस आँख पे, यानी कि लेफ्ट आई में। सो लेट्स सी कैसे कितने दिन मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकती हूँ फ्रॉम लेंस, बिकॉज लेंस छोड़ के तो मैं कुछ देख भी नहीं सकती प्रॉपरली बिकॉज आई हैव अ पावर लेंस। तो इस आँख में वैसे ही मेरी प्रॉब्लम है, थोड़ा लेफ्ट आई में दर्द होती है इस आँख में, ये पावर ज़्यादा है मेरा, ये पावर थोड़ा कम है। सो इसी वजह से मुझे लेंस पहननी पड़ती है, कहीं भी जाऊँ तो मैं आई के नॉट यूज़ माई स्पेक्स बिकॉज हर जगह पर स्पेक्स ठीक नहीं लगता, और मेरे जो कुछ दोस्त हैं वो सब यू नो दे बस बोलते रहते यार बुढ़िया लग रही है समथिंग लाइक, ऐसे मैं हूँ और ऐसे भी थोड़ा सा सुंदर लगने के लिए ये तो करना ही पड़ता है ना। सो लेंस है मेरा सबसे बड़ा एक चीज़ जिसके बिना मैं बाहर नहीं जा सकती, एंड आई होप आप लोग समझते ही हो, कभी भी आँख में कोई भी एक छोटा सा भी बालू हो या डस्ट हो, कुछ भी आ जाए तो आँख का क्या हाल होती है। और आप सोचो कि कल अराउंड 8:30 में भी, या आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट टाइम, 8:30 में भी, उस टाइम से लेकर अभी सुबह 8:30 बजे तक मेरा सेम ये प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ा
नथिंग टू डू, इसी तरह से मैं चली। पर थैंक गॉड भगवान जी है एंड लेंस निकल गया। भगवान जी ऑब्वियसली हैं और भगवान जी को मेरे से भी ज़्यादा जिन लोगों ने प्रे किया है, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबको फिर से थैंक यू बॉस टू एवरी वन ऑफ यू, मेरे लिए आप लोगों ने प्रे किया इसके लिए, राइट? ओके, तो जाने से पहले मैंने ऑलरेडी 5 मिनट का व्लॉग बन गया है, तो जाने से पहले मैं सबको फिर से दोबारा बोलना चाहूँगी, आज लक्ष्मी पूजा इन कोलकाता। सो मेरे घर पे तो कोई पूजा है नहीं, आज के दिन अगर मेरे घर पे पूजा होता तो मैं शायद व्लॉग इस तरह से नहीं बनाती, कुछ और तरीके से बना सकती थी, बट एनीवेज नो इश्यूज़। तो जो भी है, आज हर किसी को मैं बोलना चाहूँगी विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी लक्ष्मी पूजा। आप सब बहुत बढ़िया से काटें आज के दिन, एंड हर घर पे, हमारे यहाँ कोलकाता में हर घर पे लक्ष्मी पूजा होती है, जी हाँ, जबकि हमारा लक्ष्मी पूजा कल ही लग चुकी है शाम से और आज शायद शाम तक है, तो सभी के घर पे पूजा होंगे। सो आई एम वेटिंग फॉर द खिचड़ी, कौन मुझे खिलाए, क्योंकि मैं और मेरे भाई का जो बेटा है, हम दोनों सिर्फ प्रसाद खा सकते हैं, पर मेरे भाई और मेरी मम्मी, ये दोनों नहीं खा सकते एक साल पहले। तो अभी बस एक महीना तो और है, एक दो महीना है, एक डेढ़ महीना है पापा का काम के लिए, एंड आफ्टर दैट हम सभी लोग खा पाएंगे, तो खा ही रहे वैसे। खैर, तो बहुत बोल रही हूँ, एक्चुअली क्या है ना, जब आ जाती हूँ तब तो बस बात ख़त्म ही नहीं होती है। एंड ये ब्लॉग ख़ास तौर से फिर से मैं बताना चाहूँगी, ख़ास तौर से मेरी उन सभी दोस्तों के लिए है जिन्होंने मेरे लिए बहुत सारा प्रे किया। तो थैंक यू सो मच टू ऑल माई फ्रेंड्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई लव यू ऑल। सो ऑल मैं क्या बोलूँ, फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय। और प्लीज़ जाने से पहले वही बात फिर से वापस बोलना चाहूँगी, गाइस प्लीज़ फॉलो माय चैनल बंदी ये बिंदास है, ये बंदी बिंदास तभी हो सकती है जब आप इस बंदी के साथ रहें, राइट? तो फिर आज के लिए, अभी के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर मेरी नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक के लिए बाय।